बीते दिन उत्तराखंड के जनपद नैनीताल के खंसियो थाने से पुलिस की वर्दी को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया था, जहां फेरी वाले का सत्यापन पूछने पर सादिक हुसैन नाम के पुलिस दरोगा ने ग्रामीण की बेरहमी से पिटाई कर दी। दरोगा ने ग्रामीण को इतनी बेरहमी से मारा कि शरीर पर चोट के नीले निशान उभर आए। वहीं इस घटना के बाद से ग्रामीणों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। ग्रामीण घटना को लेकर बार बार आरोपी उप निरीक्षक सादिक हुसैन, विनोद यादव समेत एक अन्य पुलिसकर्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और उन्हें बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला नैनीताल जिले के भीमताल विधानसभा के ब्लॉक ओखलकांडा खंसियो का है। ओखलकांडा ब्लॉक की ग्राम पंचायत टांडा के एक युवक को खंसियो थाने के एक दरोगा ने इतना पीट दिया कि युवक के शरीर में चोट के गहरे निशान बन गए। वहीं घटना के बाद पीड़ित युवक हल्द्वानी पहुंचा और मीडिया से बातचीत करते हुए अपने जख्म दिखाए। इस दौरान युवक ने क्या कुछ कहा, सुनिए। बिना परमिशन के कैसे घूम रहे हैं आप? तो मैंने 112 नंबर पर डायल फोन किया तो उन्होंने कहा हम 10 मिनट बाद पुलिस भेजें। तो 20 मिनट बाद पुलिस आई, उनका एक सिपाही मुकुंद कुमार का आया और वो कंबल वाले और मेरे को वहाँ थाने पे ले जाया गया। थाने ले जाने के बाद विनोद यादव ने मेरे से बदतमीजी से बात करने के बाद कंबल वाले को दो बार अपने अंदर ऑफिस में ले जाने के बाद उसको छोड़ दिया गया। फिर दोबारा बदतमीजी करने के बाद पहले मेरे से हत्यापाई करने के बाद फिर ज़बरदस्ती अंदर ले जाके मेरे से फट्टे से मारपीट की गई और वो भी बेरहमी से। कौन कौन है पुलिस वाले? तीन पुलिस वाले बताए आप? सादिक हुसैन, विनोद यादव और चालक कम्बोज। क्या चाहते हैं आप उनके? क्या कार्रवाई? 20 तारीख की। ऐसे में जहां एक पीड़ित युवक न्याय की गुहार लगा रहा है तो वहीं दूसरी ओर अब ग्रामीण भी उसके समर्थन में उतर गए हैं और आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 3 तक अगर पुलिस वालों को बर्खास्त नहीं किया जाता है तो SSP कार्यालय का घेराव करेंगे। मैं आज पीड़ित मनमोहन शर्मा जी को लेकर कप्तान साहब के पास गया था और उन्होंने मुझे कहा कि राजपथ अधिकारी है, उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए हमको परमिशन लेनी पड़ेगी। 3 दिन का समय उन्होंने मांगा है और कल हमारा SSP कार्यालय घेराव का कार्यक्रम है हल्द्वानी में। तो अगर शाम तक वो जो दो और कल्पित हैं जिन्होंने 3 लोगों ने मारा है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है तो कल का आंदोलन हमारा थोड़ा शांतिपूर्वक रहेगा। अगर शाम तक उन पर कार्रवाई नहीं होती है तो कल हम उग्र आंदोलन थाने में करेंगे और जब तक हम घर नहीं जाएंगे जब तक उन पुलिस कर्मियों को जेल नहीं भेजा जाता, ना ये जाएगा ना मैं जाऊंगा ना। वहीं घटना को लेकर SP सिटी ने बताया कि संबंधित मामले की जांच SP क्राइम कर रहे हैं और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए खंसियो थाने में जो भी घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण है उसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तात्कालिक परिस्थिति देख के कार्रवाई की गई है। उसमें सब इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया गया है और इसमें जांच प्रचलित है जो SP क्राइम साहब इसकी जांच कर रहे हैं। सर पुलिस के द्वारा लगातार, चाहे अगर मैं बात करूँ उधम सिंह नगर की या खंसु की, तो देखिए अभी जो प्रकरण हमारे जनपद नैनीताल से, मैं इसी पर बात करूँगा। इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि इस पर लाइन हाजिर कर दिया गया है सब इंस्पेक्टर को और साथ ही इस पर जांच एक वरिष्ठ अधिकारी SP क्राइम साहब को दे दी गई है। उनकी जो भी फाइंडिंग होगी उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई। ऐसे में जहां एक और घटना को लेकर SP मामले में जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर ये घटना प्रदेश की पुलिस और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। सवाल ये कि कोई दरोगा इतनी सी बात पर किसी को कैसे पीट सकता है जबकि उसका कोई कसूर भी नहीं है। पंजाब केसरी TV के लिए हल्द्वानी से तारा जोशी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।